अब अगर आप हार्दिक को हटा के, पहली बात तो हटाने का कोई बेस नहीं है भाई, अगर ये चाहता तो ये भी एमएस धोनी बन सकता था 2019 वाला, हार्दिक पांड्या 2019 वाला एमएस धोनी बन सकता था, टुक 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 करके छक्के खा खू करके मैच को हरवा करके साइड में आउट कर लेता। लेकिन उसने क्या देखा, टीम इंडिया, ना उसने रोहित शर्मा देखा, ना उसने फैंस का मुंह देखा, ना किसी को कुछ को देखा, उसने देखा टीम इंडिया। और उसने यही देखा मैं टीम इंडिया के लिए कप कैसे जितवा सकता हूँ या टीम इंडिया को जितवा कैसे सकता हूँ। पूरे टूर्नामेंट में पहली बार उसने हाफ सेंचुरी बनाई है, ठीक है, इस वर्ल्ड कप में विकेट तो लगातार ही ले रहा था, फील्डिंग भी उसकी अच्छी रही है, कॉन्फिडेंस उसका हाई है। चलो क्रिश, ये सब सबको पता है हार्दिक पांड्या की इस वर्ल्ड कप अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, बट ये दूसरे सोचने की बात है कि आईपीएल में उसकी टीम जो थी वो लास्ट थी, सिर्फ 4 मैचेस वो जीत चुके। चलिए वो एक लीग है, हम उसको भी डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वो 6 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे क्योंकि वो इंजर्ड थे, और उसके पहले भी यू नो उनका बस फीका फीका सही था जो परफॉर्मेंस आ रहा था, फिर 2 साल के यू नो 2 साल का बीच में इंटरवल भी था। तो भाई हार्दिक पांड्या 6 महीने खेलते हैं, 6 महीने नहीं खेलते हैं, कुछ उनका प्रॉपर स्टेबिलिटी सी नहीं है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी उनका थोड़ा सा इशू चलते रहते हैं। सीनियर प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है, मुझे लगता है ये टैक्ट उनको आता नहीं है, थोड़ा सा यू नो ग्रूमिंग की उनकी इश्यूज है, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना नहीं आता है लोगों को, तो थोड़ा सा मुझे वहां भी इश्यूज लगते हैं। दूसरी चीज, ओडीआई सीरीज में ही इज टेकिंग रेस्ट, तो भाई अगर वो प्रॉपरली फिट है, सब कुछ है, पर्सनल रीजन से ओडीआई सीरीज में आप रेस्ट ले रहे हैं। देखिए तीन तीन डेज का ओडीआई सीरीज है, 1 हफ्ता लगने वाला है। अगर आप प्रॉपरली फिट हो, आप कंट्री को सर्व करना जाते हो, तो वैसे ही आप इतना इंजर्ड रहते हो, 6 महीने आप खेलते नहीं हो, तो आपको कोई चीज रेस्ट नहीं मिलनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस शुड बी अलाउड, बिकॉज विराट बुमराह एंड रोहित की अलग बात है, वो 15-15 साल से, बुमराह भी बड़े साल से खेल चुका है, हार्दिक यार 6 महीने खेलता है, 6 महीने नहीं खेलता है, अंदर बाहर, कभी बीवी छोड़ के जा रही है, कभी कोई और ड्रामा हो रहा है, कभी 100 करोड़ मिल रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कभी बोइंग हो रही है, कभी प्राइम मिनिस्टर के सामने रो रहा है, मतलब इतने ड्रामे हैं, इतने ड्रामे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेड अप हो गई है बीसीसीआई। यार देखो ड्रामा किसका नहीं होता, इस बहाने से अगर बिहेवियर की बात करें तो विराट कोहली तो कभी कैप्टन ही नहीं बनते, क्योंकि विराट कोहली का बिहेवियर जैसा एग्रेशन जो है वो अलग लेवल का है, रोहित शर्मा जैसी गंदी गंदी गालियां निकाल देते तो वो तो बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते थे। बात यहाँ बिहेवियर की नहीं है, बात यहाँ खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बने डिजर्विंग, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनको बनाया गया, दरकिनार किया गया, उनका एटीट्यूड एग्रेशन अलग चीज है। अब हार्दिक पांड्या इंजर्ड, इंजर्ड तो रोहित सूर्य कुमार यादव भी हुआ था, इंजर्ड तो बुमराह भी 1 साल के लिए बाहर था, ऋषभ पंत भी बाहर रहा था। इंजरी की देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, कोई खिलाड़ी जानबूझ के नहीं लेता। सवाल सिर्फ इतना है, एक बंदा देखो ओडीआई में कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, ऑब्वियसली उसको हटा करके तो बनाया नहीं जाएगा। अगर हार्दिक नहीं भी खेल रहा ओडीआई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट कैप्टन ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमारे पास T20 हमने नहीं देखा परखा है, अब सोच रहे हो 2 साल में इसको ग्रूम करेंगे, 2 साल के बाद फिर ये 2026 में सूर्य कुमार यादव करेंगे परफॉर्मेंस, लेकिन क्यों, जब आपने एक खिलाड़ी को एज ए कैप्टन ग्रूम ऑलरेडी किया हुआ है। यार वो उसने नहीं ग्रूम किया था, बीसीसीआई ने नहीं ग्रूम किया था, मुंबई इंडियंस ने ग्रूम किया था, मुंबई इंडियंस उसको अपना नेक्स्ट कैप्टन बनाना चाहता था, ये सोच के, इस उम्मीद पे, इस आस पे कि ये इंडिया को लीड करेगा वर्ल्ड कप में, ये पूरा मुंबई इंडियंस का प्लान था, जो प्लान था, ठीक है। अब मुंबई इंडियंस के प्लान से इंडिया टीम थोड़ी चलती है, इंडिया टीम चलती है प्लेयर के फिटनेस से। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, मैं तो कह रही हूँ सूर्य कुमार यादव को आपको बनाना चाहिए कैप्टन, एंड जसप्रीत बुमराह को आपको बनाना चाहिए वाइस कैप्टन, दोनों मैच विनर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन सोचने की बात एक और है क्रिश, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप में फिर इसको वाइस कैप्टन क्यों लेके गए थे, मैं वही कह रहा हूँ, वाइस कैप्टन वही होता है नेक्स्ट कैप्टन, मैं वही कह रहा हूँ, आप खिलाड़ी के भावना के साथ मजाक मत करो ना यार। देखो अब फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, रोहित शर्मा हटा करके हार्दिक बनाए गए, तो जब कैप्टन बनाए मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे बुमराह का एक अलग से आया ट्वीट, ठीक है, कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुई, ठीक है, सूर्य कुमार अपनी टंटे में रहा। जब आपको एक सिस्टम होता है कैप्टन वाइस कैप्टन, जब कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन लीड करेगा, अब हमारे रोहित शर्मा नहीं है तो वाइस कैप्टन जो थे हार्दिक पांड्या कैप्टन बने थे, आपको बनाना है सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाओ, बल्कि उससे बेटर डिजर्विंग खिलाड़ी जो है जसप्रीत बुमराह है, दोनों से बेटर, ना हार्दिक ना आपको सूर्य कुमार यादव, तीसरा कोई बंदा देखने नहीं, आपको बुमराह लेकर आना है, एक सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी अगर पूरे टूर्नामेंट में 2023
2024 या आने वाले फ्यूचर में लिख के ले लो, तो वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैसेज था। सिद्धार्थ, यू वेलकम टू द वीडियो। स्वप्न जी, आपका भी वेलकम है। राज लिंबू जी बड़े गुस्सा हो रहे हैं, गाली वाली दे रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या ये सब पॉलिटिक्स में के वजह से बाहर हो गया है, तो बहुत ही गुस्से में है। एंड अंकित जी आगे हैं, वो कह रहे हैं मेरा पांडू गया, और वो कह रहे हैं सर आप माही को ट्रोल मत करो। चलिए, अभी तो माही की कोई बात ही नहीं हो रही है, माही की बात होगी फिर बात करेंगे कि ट्रोल करें या ना करें। स्वप्निल जी का ये मैसेज बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं हार्दिक को भी इंजर हो जाता है कभी, वो वेस्ट इंडीज में कैप्टन फ्लॉप रहता है, आईपीएल में भी वो कैप्टन फेल था। जी, वेस्ट इंडीज की तो बात मैं भूली गई थी, मैं सीरियसली आपने अच्छा चीज याद दिला दी। वेस्ट इंडीज में हमारा यूनिक कैप्टन जो है, इट इज ओके टू बी यूनिक, इट इज ओके, ठीक है। वो कहता है भाई हार गए तो हार गए, इट्स ओके, मैं यूनिक कैप्टन बन जाऊंगा जो वेस्ट इंडीज में पहली बार हार गया हूं। इज दिस द वे, इस ये क्या तरीका होता है किसी चीज को? भाई हम सी बैठे हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं टीवी पे अपने घंटे घंटे वेस्ट करके, उसके बाद यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया के जीतने और हारने पे, हमारे मेंटल पीस पे इतना फर्क पड़ रहा है कि इंडिया वेस्ट इंडीज से हार गई है, और ये जो कैप्टन है वो कह रहा है इट इज ओके टू बी यूनिक, ठीक है। फिर उसको पूछा गया, युजविंदर चहल ने 3 विकेट ले ली उस ओवर में, तो उसका चौथा ओवर में तो उसको लेके क्यों नहीं आया जिस वजह से मैच हार गए? मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मेरा जो दिल करता है मैं कर लेता हूँ, I don't think that much. तो भाई ऐसे फालतू इंसान जिसका ना सर है ना पैर है ना पता नहीं दिमाग के घुटनों में है या पता नहीं कहीं और घुसा हुआ है, ठीक है, ऐसे बंदे को कैप्टन बना लेना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार के बोलेगा इट्स ओके टू बी यूनिक, कभी कभी हार हो जाती है यार। देखो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा वही बंदा चलता है, ठीक है, हार्दिक पांड्या चलता है। बात आ जाती है हारने और जीतने की, तो कम से कम उसने प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू फेस तो किया ना, ठीक है। हारने के बाद रोहित शर्मा जब नया नया कैप्टन बना था बड़ी टीम से, हारने के बाद पतली गली से निकल गया था, राहुल द्राविड़ आकर के या विराट कोहली आकर करके सवालों के जवाब दे रहे थे, कम से कम इतना निकम्मा तो नहीं है ना हार्दिक पांड्या। एटीट्यूड अलग बात है यार, एटीट्यूड की बात नहीं, अगर एटीट्यूड का इशू है तो भाई सूर्य कुमार नहीं बनता। एटीट्यूड वाइज सबसे बेस्ट तो है बुमराह, जो धरती से जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। अब बुमराह को बनाओ, क्यों नहीं बनाते? आपने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इस धरती पे हमेशा बैट्समैन को ही ऊपर रखा जाएगा, उसी को कैप्टन देना पड़ेगा। अनिल कुंबले को बनाया गया था तो कुछ समय के लिए टेस्ट में, वो भी एक विदाई के समय होता है इस तरीके से, तो वो एक यार देखो एक सिंपल सा फंडा है, जो खिलाड़ी बेस्ट है, जो खिलाड़ी एक्सपीरियंस है, दो तीन चीजें देखी जाती है, या फिर आप एक फ्यूचर देखते हो क्योंकि आपके पास सीनियर नहीं है तो यंगस्टर को बनाते हो, ग्रूम करते हो, ग्रूमिंग का टाइम नहीं है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एवरी 2 ईयर्स में आते हैं। यहाँ पे आपके पास हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस दी, एज ए प्लेयर ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्मेंस दी, सूर्य कुमार यादव ने एज ए प्लेयर दिए, लेकिन वही सबको पता ना चला तो चांद तक वरना तो चाइना की तरह है, रातों रात फ्लॉप हो जाता है। बुमराह एक लौता खिलाड़ी है जो चलता ही चांद तक है, कभी भी फ्लॉप नहीं होता। एक मैच इस वर्ल्ड कप का मैं कहूंगा जिसमें उसको विकेट नहीं मिली थी, शायद खाली हाथ गया बुमराह, वो कह सकते हो कि उसमें पिट गया टेक्निकली, अदरवाइज सब में चलता है। कैप्टन एज ए कैप्टन बुमराह ने परफॉर्मेंस आयरलैंड में जिताई है सीरीज। देखिए क्रिस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ प्लेयर का जो परफॉर्मेंस होती है और उसकी कैप्टनसी स्किल्स, ठीक है। एक कैप्टन होता है, सारी टीम को उसको रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है, उसको टीम को लीड करना होता है, उसको अपने सीनियर्स को भी लीड करना है, अपने जूनियर्स को भी लीड करना है, अपने हम पीयर ग्रुप जो है सेम लेवल के हैं उनको भी लीड करना है। हार्दिक पांड्या में अनफॉर्चुनेटली वो स्किल नहीं है कि वो सीनियर्स को लीड कर सके या अपने हम उम्र को, वो जूनियर्स को जरूर लीड कर सकता है। आप देखेंगे गुजरात टाइटंस की जो टीम थी वो सारे यंगस्टर टाइप प्लेयर्स थे या अफगानिस्तान के इधर उधर के, उतने बड़े स्टेचर के प्लेयर्स वो नहीं थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का ऐसा एटीट्यूड है, इस तरीके का उसका पर्सनालिटी है दैट वो इस तरीके के प्लेयर्स को लीड कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो मुंबई इंडियंस आए ही कुड नॉट मैनेज प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उस लेवल की रिस्पेक्ट देनी उसको आती नहीं है। एक गुजरात टाइटंस में एक सीनियर खिलाड़ी था मोहम्मद शामी, उसको भी उसने गाली दे दी। मोहम्मद शामी ने रिएक्ट किया और बोला कि भाई आगे से ऐसा हुआ तो मैं फील्ड में ही धोऊंगा तुझे, ठीक है। तो अपने एक लेवल का जो खिलाड़ी था हार्दिक, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाया। तो हमेशा जो प्लेयर होता है या कैप्टन होता है उसकी हमेशा ऑन फील्ड परफॉर्मेंस से वो कैप्टन नहीं बनता है, उसके और भी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स,
कैसे वो 11 की टीम या 15 की टीम को एक साथ लेके कैसे उसकी कोऑर्डिनेशन कोचेस के साथ है, कैसे उसका एटीट्यूड है, कैसे वो प्लेयर्स को जो प्लेयर एक यंगस्टर की 50 रुकवा सकता है या दूसरे प्लेयर की वर्ल्ड कप में सेंचुरी रुकवा सकता है, क्या वो प्लेयर अपने सामने कोई भी कॉम्पिटिशन आने की बिल्कुल ही विल नॉट टॉलरेट इट. सो आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या हैज द स्किल्स. ही मे बी वेरी स्किलफुल एज अ प्लेयर एंड एज अ ऑलराउंडर, बट पर्सनल मेरी बिलीफ है दैट एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, एज अ टीम मैन, ही फेल्स मिजरेबली. रोहित शर्मा एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस में खेला, हार्दिक उसे जूनियर खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया, उसका मुंह ऐसे बड़ा पाव की तरह सूज गया था, ठीक है. उसके बाद उसने पीछे बाउंड्री पे लगाने के लिए इशारा कर दिया, वो कह रहा मैं वाली क्या बात थी भाई, कैप्टन जो बोलेगा करना है. अब खुद कैप्टन था तो बाउंड्री पे खड़ा था रोहित शर्मा, वहां किसी ने कुछ बू नहीं की. सवाल सिर्फ यही है, अगर आप पीआर सिस्टम चलाते हो, हार्दिक पांड्या ने पीआर सिस्टम नहीं ले रखा तो वो विलन बन गया, लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा ने ले रखा है तो वो हीरो बन गया, ऐसा नहीं चलता है. और बात आ गई खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, बात अब सीनियर खिलाड़ी की बात आती है. सीनियर खिलाड़ी में T20 में रोहित शर्मा विराट कोहली गए, अब उसके बाद सीनियर कौन बचता है, हार्दिक पांड्या, वो जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव तो बाद में खेलना स्टार्ट किया है, इससे बेटर फिर आप किसी यंगस्टर को बना देते. आप लड़ाई तो खुद करवा रहे हो ना अपनी टीम में, क्योंकि बुमराह अपने सपने देख रहा है कि मुझे अब मिलेगा, बीच में उसकी बीवी ने भी स्टोरी डाली थी, तो अब कहानी ऐसी है. क्रिश, यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज, डज हार्दिक पांड्या हैव दोज कैप्टेंसी और दोज लीडरशिप स्किल्स कि एक टीम मैन होके फॉर हिज टीम वो आगे, और जो टीम सिर्फ जूनियर्स से मेड नहीं है, जिस टीम में सीनियर्स भी हैं, क्या उस टीम को वो लीड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. अब स्केल की बात आ जाती है एज ए लीडर. अब जूनियर कह दो, क्योंकि उसको आपने दी थी गुजरात टाइटन, वहां सीनियर खिलाड़ी बड़े बड़े भी थे, सबको मैनेज किया. अब बात यहां पे आ जाती है, मैं इंडियन टीम की बात कर लेता हूँ. गाली ग्लोच, जितनी गंदी गंदी गालियां रोहित शर्मा देता ना या विराट कोहली देता है, मुझे नहीं लगता कोई और देता है, समझ रहे हो? वो तो माइक में आकर के दे देता है, ठीक है, इसका बिहेवियर अलग है. रोहित शर्मा क्यूट दिखता है, विराट कोहली की पर्सनैलिटी अच्छी है, इसलिए उसके मुंह पे गाली सूट कर जाती है, हम पसंद कर लेते हैं. बट बिकॉज हार्दिक पांड्या की शक्ल ही अच्छी नहीं है, इसलिए हमें वो गाली ही लगने लगती है. बट बात आती है परफॉर्मेंस की, जिस तरीके से वो टीम को लेकर के चलता है, सब कुछ उसमें क्वालिटी है. बट अगर आप उनमें मान लिया 1% BCCI की मैं क्वालिटी नहीं हार्दिक पांड्या में, मैंने आपकी भी बात मान ली, सबकी मान ली, तो क्यों बनाया भाई कैप्टन, क्यों बनाया उसको वाइस कैप्टन? बनाना ही नहीं था, सपने दिखाना ही नहीं थे. तुम तो पाकिस्तान वाली हरकत कर रहे हो, सलमान भट्ट को लेके आएंगे, सलमान भट्ट को अगले दिन हटा दिया. अब हार्दिक पांड्या क्या करेगा भाई, उसने बैटिंग से बॉलिंग से जी जान लगा के परफॉर्मेंस दिया है, उसने इसलिए नहीं दी मुझे कैप्टन बनाया, बस उसने इसलिए दी है मैं इंडियन हूं, इंडियन टीम को जिताना चाहता हूं. अब उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिटनेस नहीं है वो करती उसकी, उसने और वाइट बॉल खेलने से मना नहीं किया है, अभी पर्सनल रीजन से छुट्टी ली है. विराट कोहली ने ली तो अलाउड कर दी, रोहित शर्मा लेता अलाउड करते, हार्दिक पांड्या ने ले ली तो एक रीजन ये बना करके कैप्टनसी से हटा देना, मेरा मानना सही नहीं है. आप कैप्टन वाइस कैप्टन रखो, जिस सीरीज में हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है या कोई भी कैप्टन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दो. अभी भी तो आपके पिछले 4-5 साल में कितने कैप्टन बन गए हैं जी. चलिए, रोको दोस्ती के फैन कह रहे हैं जी, अभी जो है मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग ही मैसेजेस ले रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, फिर क्योंकि कल हम वीडियो काटेंगे तो फिर सेम रेलेवेंट मैसेजेस होने चाहिए, सबके मैसेजेस लूंगी लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक लूंगी. तो रोको दोस्ती के फैन कह रहे हैं स्काई रोहित का फेवरेट है, उसको रोहित ने काफी कुछ सिखाया है. वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सूर्य कुमार यादव ने 2014 में रांची की कैप्टनसी गई थी फॉर मुंबई, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, लेकिन उनको बीच रांची की सीजन में कैप्टनसी से हटा दिया गया था क्योंकि प्लेयर्स से काफी कंप्लेंट आई थी दैट ये काफी ज्यादा गाली गलौज करते हैं एंड बहुत ज्यादा गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं प्लेयर्स के लिए. बट वो हुआ 2014 एंड नाउ वी आर सिटिंग इन 2024. 10 साल में सूर्य कुमार यादव मस्ट हैव ग्रोन एज अ प्लेयर एंड एज एन इंडिविजुअल, तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एज वेल, क्योंकि अब जो मुझे है वो काफी रिलैक्स्ड कैरेक्टर ऑन फील्ड लगते हैं. केएल राहुल T20 का कैप्टन होना चाहिए, अंकित जी जो है वो ये कह रहे हैं. एंड मनीष कह रहे हैं 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया केएल राहुल को, कैप्टन बनाए. अच्छा, वो कह रहे हैं कि फाइनल में उसने हराया तो आप शायद कह रहे हैं कि उसको कैप्टन मत बनाए. ओके ओके. सो हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है श्रीलंका सीरीज में जी? पर्सनल रीजंस की वजह से उसने ODI सीरीज में सागने एग्जिट किया, वही
अब वो ही यू नो मेरा क्वेश्चन है दैट व्हाई इज ही नॉट अवेलेबल व्हेन इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस आर ऑन. ये सारी पर्सनल रीजंस आईपीएल में क्यों नहीं आती हैं फॉर विराट कोहली, फॉर रोहित शर्मा, फॉर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह एंड ऑल ऑफ देम. You know, they don't prioritize the country. They prioritize the league and their family vacations. So, I don't think that's right. अगर रोहित सूर्य कुमार यादव गाली गलौज करते थे, उनकी तो पर्सनैलिटी पहले से पीछे से खराब है, तो यहाँ आकर के आप किस बेस पे कह रहे हो कि अच्छा जाए. इस भाई का मैसेज बहुत अच्छा था, जो भी नाम है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि इन्होंने लिया था कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक लोते बेस पे बने हैं बिकॉज वो रोहित शर्मा के क्लोज. क्लोज मतलब मुंबई लोबी किंग कोबरा जी ने बोला. मुंबई लोबी किंग कोबरा जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है, क्योंकि मुंबई लोबी का जब ट्रेंड चल रहा था आईपीएल में, तो सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा और रोहित शर्मा एक साइड में थे मुंबई की लगवाने में, क्योंकि हार्दिक एक साइड में था. अब ऑब्वियसली अगर आपके कैप्टन से पूछा जाएगा, एक्स कैप्टन से पूछा जाएगा आप किसको देखना चाहते हो, तो वो तो वही बोलेगा ना भाई जो मेरी साइड में आया है, जाहिर सी बात है. लेकिन बीसीसीआई को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, सिलेक्टर्स को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए परफॉर्मेंस. या आप एक कैप्टन ऐसा बनवा लो कि भाई गौतम गंभीर आए हैं, हमें कैप्टन की जरूरत नहीं है, यही करेगा, हमें एक चमचा चाहिए जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे करे, फॉलो करे. उसमें मैं मान सकता हूँ हार्दिक पांड्या नहीं करेगा, रोहित शर्मा भी नहीं करता, विराट कोहली भी नहीं करता, ये बात लिख के ले लो. परफॉर्मेंस वाइज जाओ तो अलग बात है, या फिर आप ऋषभ पंत को तो भाई फेवरेट रीजन करे ना, केएल राहुल को तो मौके नहीं मिलेंगे T20 में, तो ऋषभ पंत को बना दो, वो तो वही करेगा जो गौतम गंभीर कहेगा. जी बिल्कुल. तो भाई किंग कोबरा जी कह रहे हैं कि स्काई को हार्दिक को दूसरी शादी करनी है, इसके लिए वो पर्सनल रीजन देखो भाई सभी को होते हैं. विराट कोहली ने लिया, हमने सवाल जवाब किए नहीं किए, अब क्योंकि गौतम गंभीर आ गए इस चीज को टाइटली ले लेंगे कि भाई मुझे पर्सनल रीजन ओडीआई और टेस्ट में नहीं चाहिए. जितना गैप लेना आप T20 में लो, आईपीएल में लो, आईपीएल में तो ऑब्वियसली नहीं ले सकते बिकॉज बीसीसीआई अलाउड ही नहीं करेगी. सिंपल सा फंडा है, वो है मनी बैंक. जी अजीत कुमार यादव जी आ गए हैं, वो कह रहे हैं सूर्य इज द बेस्ट कैप्टन. चलिए अच्छी बात है, आप मेरी मैं तो बेस्ट कैप्टन तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है हार्दिक से तो वो बेटर ही चॉइस है एज कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या. एंड स्काई का खुद का मोहम्मद वलीद जी काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं. मैं आप सॉरी आपके मैसेजेस हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी सारे लोगों के मैसेजेस हाईलाइट हो, क्योंकि काफी नए लोगों के नाम भी आ रहे हैं. स्काई का खुद का माइंड नहीं चलता है प्रेशर में, तो एक चीज वो ये कह रहे हैं. दूसरा भी का मैसेज काफी अच्छा था, वो कह रहे हैं स्काई हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग ऑन बिगर स्टेजेस फॉर इंडिया येट. देखिए स्काई ने इस वर्ल्ड कप अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, थोड़े मुश्किल के मैचेस फंसे हुए थे. एक में आई थिंक उसने 47 बनाए थे, वो मुश्किल वाला मैच था, हमारा फंसा हुआ मैच था. फाइनल में भी शायद वो कुछ कर गया था. तीन मैचेस तो मेरे को उसके पक्का ही पता है, एक हाफ सेंचुरी भी आई थी एंड एक डिफिकल्ट पिच पे उसने रन बनाए थे. सो यू कांट डिस्काउंट स्काईज इनिंग्स इन अ वर्ल्ड कप अगर आप परफॉर्मेंस दे देते हैं, जहां आपके बाकी बैटर विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप फेल हुए एक्सेप्ट फॉर द फाइनल्स. सो भाई स्काई को आप फेलियर नहीं कह सकते. T20 आएगा अनडाउटेडली, हालांकि वो नंबर 2 पे आ गया होगा, ट्रेविस हेड 1 चला गया होगा, लेकिन यार उसके शॉट्स, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका माइंडसेट, उसका अग्रेशन एंड हिज एक्सपीरियंस, नंबर 1 जो चीज है स्काई की वो है वो एक्सपीरियंस. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको इंटरनेशनल का, रणजी का, आप उसका रणजी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इतने फ्लुएंट रन हैं उसके. तो भाई वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है स्काई के पास, तो भाई वो चीज भी इग्नोर नहीं की जा सकती. स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की है. स्काई की स्किल है, सभी की स्किल है, जो इंडियन टीम में आ रहा है उसमें टैलेंटेड खिलाड़ी ही है तभी आ रहा है. प्रॉब्लम ये है कदर करनी, जैसे इस भाई ने बोला कि उसकी स्किल, उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है. एक यूएस के खिलाफ उसने थकेली इनिंग खेली थी जिसमें एक कैच ड्रॉप हो गया था. प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन नहीं देखता, जैसे कि रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में सिचुएशन देख के अपने गियर चेंज किए. हार्दिक पांड्या एवरी टाइम करता है सिचुएशन देख के गियर चेंज करता है, विराट कोहली हमेशा करता है. तो आपको ऐसा जैसे जसप्रीत बुमराह हर समय देख के गियर चेंज करता है, लेकिन बाकी खिलाड़ी अगर ऋषभ पंत की बात ले लो, केएल राहुल की ले लो, किसी की भी ले लो, वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते, वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से चलते हैं. अब ऐसे में किसी लीडर को बना देना, वो पूरी टीम की लंका लगवा देगा, ये लिख के ले लो. क्योंकि माना गौतम गंभीर है वहां पे, लेकिन उसने मनमानी कर दी तो गौतम गंभीर क्या कर लेगा? पाकिस्तान के बाबर आजम ने अपनी मनमानी कर ली, गैरी क्रिस्टन ने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया?
जी, तो साग ने कह रहे हार्दिक पांड्या कभी भी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होता यार, उसको कभी कोई इंजरी हो जाती है, कभी कोई पर्सनल रीजन हो जाता है, कभी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती यार। सी आई वी नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपको 100 करोड़ ट्रांसफर फी जितनी भी मिल गई, ठीक है। ईशान किशन का भी यही हाल है, आप देखो वो पूछ जैसे उसको चिपका रहता है हार्दिक पांड्या को हर जगह, ठीक है। क्यों बीसीसीआई से तू बंगे ले रहा है, डोमेस्टिक खेल नहीं रहा है, तू इंडिया के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन तू हार्दिक पांड्या के पीछे पीछे दुम हिला के घूम रहा है, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या अंबानी के पीछे दुम हिला के घूम रहा है, मतलब उसकी शादी में सबसे ज्यादा कूद रहा था वो हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो सबको पता है कि वो अंबानी के दम में कूद रहा है, लेकिन आई विल बी वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगी कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको अंबानी की पूरी बैकिंग है, बैकिंग भी है, परफॉर्मेंस भी है। चलो मानना ईशान किशन उसको करता, तो हर कोई बंदा करता भाई, टीम इंडिया का कैप्टन है ना, विराट कोहली ने रोहित धोनी की खूब चाटी है, कोई भी पता है इसके हाथ में पावर है, तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा की चाटी है, क्योंकि पता है टीम में बने रहना तो हमें चाटनी पड़ेगी। देखो कुछ जिनकी स्किल अलग लेवल की होती है ना, वो नहीं चाटते, उनको पता हमारी परफॉर्मेंस लेके चलेगी हमें। तो सवाल ये है, क्या हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन डिजर्व करता है टीम इंडिया में या नहीं? दूसरा सवाल, कि अगर आप ये सोच के कह रहे हो कि क्योंकि उसने पर्सनल रीजन से ओडीआई से बैकआउट कर लिया है तो आप उसको नहीं बना सकते, तो भाई इस हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव तो ओडीआई की टीम में फिट ही नहीं बैठते हैं, आप उनको T20 के कैप्टन की लिस्ट में कैसे टॉप पे रख सकते हो? मेरे हिसाब से तो बनता नहीं। खेलता है जो तीनों फॉर्मेट वो है जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा तो आप देखो पर्सनल रीजन ले लेकर सब छुट्टी लेते हैं। करो तो सही करो, वरना गलत ये ज्यादा गलत है, ये थोड़ा कम गलत है, इसमें से ये चुन लेना तो ये तो बात सही नहीं है। जी प्रहलाद जी का मैसेज इस टॉपिक पे मिस हो गया, सॉरी प्रहलाद जी, मैं इनका मैसेज लेती हूँ राज तिलक जी का, फिर मैं आपका, क्योंकि आपने इसी टॉपिक से रिलेटेड किया था तो मैं आपका मैसेज लूंगी इसके बाद। राज तिलक जी का बहुत लंबा मैसेज आ गया क्रिश, और वो हिंदी में है, तो भाई मेरी हिंदी जो है वो पूरी टेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं इसको इस मैसेज को 5 मिनट से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। तो भाई राज तिलक जी कह रहे हैं, अगर केएल राहुल का कोई भी मैच आईसीसी का कोई भी मैच खेला तो, या आईसीसी के बड़े मैच में भी खेला तो इंडिया हार जाएगा, लेकिन केएल राहुल खेलता है तो दूसरा प्लेयर पे दबाव आ जाता है और बहुत स्लो खेलता है, डर डर के खेलता है। चलो थैंक गॉड मैंने ये मैसेज पढ़ लिया है। राज तिलक जी आपका वेलकम है हमारे वीडियो पे, प्लीज पहले वीडियो आप लाइक कर दीजिए सभी भाई वीडियो, हाँ बिकॉज आज हमने सुना है कि कुछ 40 लोगों ने हमारी वीडियो डिसलाइक कर दी थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, समीर जी ने बताया था, तो भाई आज तो भाई हमें बहुत सारे लाइक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे उस डिसलाइक को बैलेंस करने के लिए। तो भाई मैसेज मैं लूंगा क्योंकि मुझे केएल राहुल पसंद है, इसलिए नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी